कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान आसमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगर संग्राम। जी हाँ, यूपी में इन दिनों निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही है क्योंकि यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा तो वही दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होगा, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे, जिसके लिए तमाम पार्टी के प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वही हमजापुर वार्ड संख्या 12 से चुनावी मैदान में शाकरा बेगम प्रत्याशी हैं और वही पूर्व में भी सभासद पद पर इनके ही परिवार का कब्जा रहा है और इस परिवार के द्वारा 2012 से 2017 तक सभा सदी पर भी इस सीट पर कब्जा रहा है। तो वहीं इस बार भी हमजापुर वार्ड 12 से चुनावी मैदान में शाकरा बेगम है, जिनके प्रतिनिधि रिजवान अहमद और मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले तो सर, प्राइम टीवी पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल रिजवान जी, मेरा सवाल पहले आपसे है कि निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप जनता के बीच जा रहे होंगे, जनता से जनता का समय हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ऐसे में जनता का समर्थन कितना मिल रहा है आपको? जी रिजवान जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी है या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी अपनी जीत की दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त यूपी में जितना ज्यादा तेजी से मौसम बदल रहा है, उतनी ही तेजी से यूपी की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच मौजूद रह रहे हैं ताकि जनता का समर्थन उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर जनता को उन्हें समर्थन मिलता है तो वो हर वक्त हर समय और एक हर घड़ी जनता के लिए मौजूद रहेंगे। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, जी हाँ, इन तीन स्टेप्स में चलता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का ही चुनाव होता है। तो ऐसे में निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो नगर संग्राम में एक बार फिर से हमारे साथ रिजवान अहमद और मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से जुड़े हैं। पहले तो मैं एक बार फिर से आप दोनों का ही प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करूंगी। ठीक है रिजवान जी, अब मेरा पहला सवाल आपसे है कि अब निकाय चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में आप जनता के बीच पहुंच रहे होंगे तो जनता का समर्थन किस तरीके से आपको मिल रहा है? जनता हमारे साथ चल रही है, उन्हीं के सहयोग से पिछली बार भी हम चुनाव जीते थे और इस बार उन्हीं का सहयोग ही है जिनकी वजह से पूरी उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे। ठीक है आसिफ जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप जनता के बीच तो जा रहे होंगे और जनता का समर्थन भी जैसा कि अभी रिजवान जी ने बताया कि आपको भरपूर मिल रहा है, लेकिन ऐसे में आपकी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है? मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है और यही बात जनता के साथ जाने की, तो जनता हम चुनाव हम लोग नहीं, जनता खुद हमको लोग लड़ रही साथ में, इसके जनता का आशीर्वाद 10 साल से लगातार मिल रहा है, इस बार भी मिलेगा, चुनाव हम नहीं जनता लड़ रही है हमारे साथ में, एक एक जनता, एक एक वोटर, एक एक वोटर हमारा चुनाव लड़ रहा है और हम लोग हमारे समर्थन में चल रहे हैं। हम लोग तो बहुत दूर ही रहते हैं, सबसे पहले इसको काम कार्य करती जनता ही करती है और सारे विकास का काम कोई ऐसा काम बचा ही नहीं जो हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 100 में हुआ ना हो, कोई ऐसा काम ना बचा हो और जनता का बहुत आशीर्वाद है, उनकी बहुत दुआएं हैं और मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ।
ठीक है रिजवान जी, अभी आपने जिक्र किया है कि आपके क्षेत्र में हर एक तरीके का काम हो चुका है, चाहे वो सड़कें बनाने का हो, चाहे वो स्कूल का हो, या चाहे वो पानी की समस्या ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में महिलाओं के लिए आप इस चुनाव को जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे? महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं उनको दी जाएगी और उनसे संबंधित जो भी योजनाएं उनको मिलेंगी उनको दिया जाएगा। बाकी ऐसी कोई समस्या है नहीं, पूरे वार्ड में हमारे कोई समस्या नहीं जिनको पूरा ना किया जाए। ठीक है आसिफ जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन आप जनता के बीच तो भी जा रहे हैं, लेकिन जनता का अक्सर ये मानना होता है कि जो हमारा प्रत्याशी है वो जब जीत जाता है तो वो 5 साल तक हमारे क्षेत्र में पहुंचता ही नहीं है या हमारे क्षेत्र के लोगों से रूबरू भी नहीं होता है, तो ऐसे में आप जो जनता है उसको किस तरीके से भरोसा दिला रहे हैं? जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब जनता खड़ी, आप जनता से पूछ लीजिए, वो जवाब जनता खुद दे देगी कि हम जनता के बीच में ही रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं और मिलते रहते हैं सबसे, सबके सब सुख दुख में साथ रहते हैं, हर तरफ सब जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जनता हमारे साथ में खड़ी है, हमेशा रहती है। और जो आपने कहा कि जनता कहते कि 5 साल तो वो बात यहाँ पर जनता खड़ी है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है रिजवान जी, 2012 से 2017 तक जो सभासदी का चुनाव था वो भी आपके परिवार के पास रहा, तो इस दौरान आपने किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास कराया? मैम क्षेत्र का विकास ज्यादातर इसे रोडों का ही समस्या हमारे वार्ड में ज्यादा होती है और लोगों की समस्याओं को दूर करना हमारा महत्व है, लेकिन जैसे कि जो पिछले सभासद है जो उससे पहले दो बार हमको जो है आए हमारे सामने उनको भी हमने पछाड़ गिराया है और वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही लगे हैं, लेकिन जनता ने उनको ना चुन के बल्कि हम लोग को ही चुना है क्योंकि हम लोगों ने जनता के हित में ही काम किया है। ठीक है रिजवान जी, आपने जनता के हित में तो बखूबी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिस पर आपको लगता है कि काम करना चाहिए? नहीं मैम ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, हमने जनता के हित में ही काम किया, कोई ऐसी कोई काम बचा भी नहीं है कि जनता के लिए ना किया जाए। ठीक है आसिफ जी, अभी जिस तरीके से रिजवान जी ने जिक्र किया कि कोई ऐसा काम नहीं बचा है जो नहीं हुआ है, ये सारे काम हो चुके हैं, लेकिन 2023 का चुनाव जीतने के बाद ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो आप सबसे ज्यादा लाइमलाइट जिससे बटोरेंगे या जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहेगा? मुद्दा कोई तो नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मगर हम लोग जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटा और जनता के हर सुख दुख में साथ में रहते हैं, जो जनता कहती है वो हम वही काम करते हैं और जनता के हित में ही काम करते हैं, जो हमसे जनता कहती है वही करते हैं, जनता के जो जनता जिस रास्ते पर चला देती उस रास्ते पर चल जाते हैं और जो हमसे बोलते हुए हम करते हैं, जो विकास और रही बात बिजली पानी सड़क शिक्षा ये सब पूरा है। ठीक है रिजवान जी, सरकार योजनाएं तो बहुत सारी लेके आती है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो देश की जनता है वो उससे अछूती है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ किस हद तक दिला पा रहे हैं? मैम 90% उम्मीद पूरी हमारी रहती है कि हम उनको लाभ देते हैं, उनको 90% तक वो सारी जनता को लाभ मिल चुका है, चाहे वो सरकारी आवास योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, जो भी योजनाएं सरकार देती है वो हम जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है आसिफ जी, अभी जिक्र किया रिजवान जी ने कि जो सभी 90% की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची है, 90% लोगों तक पहुंची है, तो क्या अगर आप इस चुनाव में जीतेंगे तो जो बाकी 10% है क्या उनको भी आप इन सब योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल मैम बिल्कुल, 100% हम कराएंगे और हमसे जो हो सकता है क्योंकि हम इतना हमसे हो सकता है उससे ज्यादा ही करते हैं, वो तो जनता से आप पूछ लीजिए, यहाँ की खड़ी है एक एक हमारी आवाज से पूछ लीजिए, और इतना विकास किया है आज तक पूरे बैराज में कोई बार जितना विकास नहीं हुआ होगा हमारे हिसाब से, और बाकी आपको जनता के पास सुविधा पहुँचती नहीं पहुँचती है वो आप जनता पे पूछ लीजिए, वो सरकारी लाभ पाते नहीं पाते हैं, और जनता से पता कर लीजिए, आप यहाँ टीम खड़ी है वो पता कर लीजिए, एक लोग से पूछ लें। ठीक है आसिफ जी, राजनीति एक बेहद ही कहा जाए कि बेहद ही पेचीदा चीज होती है, तो इसमें जब आपने सोचा कि आपका परिवार राजनीति में आएगा तो क्या वो सफर चुनौतियों से भरा था, क्योंकि राजनीति में आना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल होता है, राजनीति में आकर पहचान बनाना? जनता के सामने करते ही नहीं पड़ा, जनता हमारे साथ आशीर्वाद देती है।
ठीक है रिजवान जी, 2012 से 2017 तक भी सभासदी आप ही के परिवार से रहे थे, तो जरा अपने परिवार के एक राजनीतिक जो करियर रहा है, जो राजनीति का सफर रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सभासदी पर बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, बिल्कुल जी, इसमें जो है जनता के हिसाब करते हैं हम लोग, चुनाव नहीं होता है, जनता करते हैं, ये तो एक सौभाग्य है कि जनता हमको चुनती है, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है आसिफ जी, अगर इस बार का चुनाव आप जीत जाते हैं तो क्या आप आगे और बड़ी जो बड़ा चुनाव होते हैं उसमें भी खुद को उतारेंगे या अपने परिवार के किसी प्रत्याशी को उतारेंगे आप? ठीक है रिजवान जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपने हर एक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, सभी तरीके से योजनाओं को पहुंचाया है, लेकिन अगर 2017 के बाद के नतीजे क्या रहे थे आपके वार्ड में? जो है लड़ाई रहती है वो हमेशा दूसरों के खिलाफ रहती है, उसके खिलाफ तो लड़ते ही है, जनता के लिए लड़ते हैं, दूसरे के लिए। ठीक है आसिफ जी, अब प्राइम टीवी के माध्यम से आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता वो समझ के अपना जो सभी चुने और जो देखे सही साथ ठीक साथ वो अपना प्रत्याशी चुने, बाकी जो है जनता को अच्छे से अच्छा मिला जानते हैं कौन क्या है करने के लिए वो अपने काम में, और यहाँ तक की जो प्रत्याशी जनता चुन चुके जनता मूल बना चुकी है, किसको लड़ाना है किसको जिताना। ठीक है अभी आसिफ जी ने तो अपील कर ली, लेकिन रिजवान जी अब आप क्या जनता से अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता से अपील कुछ करना नहीं है, चुनाव जनता के जनता ही जिताती है, बिल्कुल, और जनता के ही लिए लड़ रहे हम लोग और जनता ही हमको जिताएगी, तो उनसे कुछ अपील करना नहीं है, वो खुद ही हमारे यहाँ आए हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं हमको। ठीक है तो यानी जनता का समर्थन पूरी तरीके से आपके साथ है और जनता का समर्थन भी आपको मिल रहा है। धन्यवाद रिजवान अहमद और मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि नगर संग्राम के हमारे खास कार्यक्रम में रिजवान अहमद और मोहम्मद आसिफ जुड़े थे। इस दौरान शाकरा बेगम जो कि सभासद पद की प्रत्याशी है सपा से, वो दोनों ही उनके प्रतिनिधि थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि वो इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार की हर एक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, हर एक तबके तक सभी योजनाओं को पहुंचाया है, तो ऐसे में जो जनता का भरोसा है वो उनके साथ है। लेकिन अब इसका जो खुलासा है वो तो 13 मई को होगा, जब निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो नगर संग्राम के हमारे आज के इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।